सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में युवा मोर्चा की एक बैठक का आयोजन युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक करेवड़ी जी की अध्यक्षता में किया गया। इस मीटिंग में युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भाई जनक पोपली जी मौजूद रहे। उन्होंने सोनीपत युवा मोर्चा को 26, 27 व 28 अक्टूबर को हैदराबाद में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में जानकारी दी और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वहां पहुंचने के लिए कहा। हैदराबाद में होने वाले इस अधिवेशन में पूरे राष्ट्र से 1,00,000 युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की अपेक्षा की जा रही है और संगठन इसके प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त भी है। जिला अध्यक्ष अशोक करेवड़ी जी ने भी प्रदेश संगठन को इस अधिवेशन में सोनीपत युवा मोर्चा की तरफ से अपेक्षित सहयोग देने का आश्वासन दिया। आगे इनेलो पार्टी में हो रही उठापटक को उन्होंने पूर्ण रूप से पारिवारिक बताया और साथ ही कहा कि आज इनेलो पार्टी लगभग 3 दशक पुरानी परिस्थिति में खड़ी है, जब चौधरी देवीलाल जी के पुत्रों के बीच उनकी राजनीतिक विरासत को हथियाने और उनका राजनीतिक उत्तराधिकार लेने की जंग थी। इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस मीटिंग में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री भाई जनक पोपली जी, युवा जिला अध्यक्ष भाई अशोक करेवड़ी जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय गौतम जी, अक्षय मदान, जिला महामंत्री एडवोकेट रजनीश मलिक जी, जिला मीडिया प्रभारी रविंद्र मलिक, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण दहिया, संदीप राणा व अन्य युवा साथी भी मौजूद रहे।